वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से आप लोगों को हैदराबाद की व्लॉग मिलेगी। आज हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, फिलहाल अभी 12 बज रहे हैं, मम्मी आ चुकी है लास्ट टाइम के लिए। कपड़े सारे जो था वो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं धो रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और सारा घर उलट पुलट है क्योंकि इधर उधर छोटे छोटे चीज़ें होता है ना, वो सारे चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें लेनी पड़ती है याद कर करके। मम्मी ने फिर से मेरे लिए भेज दिया है मम्मी के हाथों कोचू शाक। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मम्मी भी जा रही है हमारे साथ, सो इसीलिए मम्मी सुबह सुबह मतलब 12 बजे आ गई थी, अभी 1 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट काम संभाल लिया है, अभी खाना खाएंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें जो है ना लेना बाकी रह गया है। तो आज खाने में है, मम्मी ने भेजा है कोचू शाक, माछेर माथा दी बादा कॉफ़ी, चिकन और दाल, और मम्मी और मेरे लिए स्पेशल नींबू और हरी मिर्च। थोड़ा सा अभी टाइम है, मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ क्योंकि कोलकाता में आने के बाद मैं बहुत टैन हो गई हूँ, दार्जिलिंग कोलकाता ये सब करने में। तो आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आप जो पैक यूज़ कर रहे हो, तो मैंने बोला था मैं आफ्टर 15 डेज़ आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी अगर अच्छा रहता है। तो मैंने ये एक बायोटिक का बायो फ्रूट वाला पिंक कलर का एक मास्क जो मैं लगा रही थी, बहुत अच्छा है स्पेशली टैन रिमूव करने के लिए, ये मैंने अमेजन से लिया था। दो पैक मैं यूज़ कर रही थी, ये मैं अल्टरनेटिव डे पे, ये है एरोमा मैजिक एंटी पिगमेंटेशन ग्लॉसी पैक। ये जो पिगमेंटेशन जो स्पॉट्स रहता है ना उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, और मेरा तो ये पिंपल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। मैंने ये बहुत साल पहले एक बार यूज़ किया था, उसके बाद मैं नाम भी भूल गई थी, फिर से एक बार अमेजन में सजेस्ट किया तो मैंने ये ले लिया, और अभी अमेजन में बहुत बड़ा सेल चल रहा है, मेगा सेल चल रहा है। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। ये ग्रीन कलर का जो नीम वाला एक पैक रहता है ना मैं लगाती हूँ, वो वाला पैक है। मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ, रिसेंटली मैंने गार्नियर शीट मास्क लिया था, इसका भी 10 शीट मास्क का बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है बहुत हर पैक में। तो शीट मास्क तो जैसे आपको पता ही है, रात को अप्लाई करके सो जाओ, फिर सुबह उठ के आप उसको वॉश कर लो और मतलब फ्लॉलेस स्किन मिलता है। तो इसका 10 का पैक मैंने लिया था, जिसके वजह से 3 ही बच गया है, 7 मैंने यूज़ कर लिया है। और मैंने कुछ ज्वेलरी लिया था जिसके लिए आपने बोला था कि दीदी रिव्यू शेयर करो, उससे पहले अगर बता दूँ मैंने ये भी अमेजन से लिया था बायोटिक बायो पपाया टैन रिमूविंग स्क्रब। ये बहुत अच्छा स्क्रब है, देखो विंटर स्टार्ट होने पे ना बहुत ज़्यादा हम लोग टैन हो जाते हैं, इस टाइम पे इस तरह की कुछ टैन रिमूविंग चीज़ आपको यूज़ करना चाहिए। ये स्क्रब मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट है। सो अब मैं ज्वेलरी दिखाती हूँ। सो मैंने ये वाला दो ऐसे मोती, झूड़ो मोती बोलते हैं इसको, इसका कंगन लिया था शादी में पहनने के लिए, और इसके साथ देखो आप मैचिंग एक ईयर रिंग, ये मैंने शादी वाले डे पे पहना था और आप सब ने बहुत बोला था कि बताओ, और ये इसका नेक पीस है, और एक मैंने दो चूड़ी पहना था, ये भी अमेजिंग है, ये देखो ये एडी अमेरिकन डायमंड जो होता है ना उसमें है। तो इन सारे चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। सो इधर पे मैं एडिट कर रही हूँ, एडिट कंप्लीट हो गया है, अब इसको अपलोड करूँगी। 3:30 बज रहा है, 4:15 को हम कैब बुक करेंगे, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। मैं सोए पड़ा हूँ, मैं तो मम्मी को मतलब बहुत एनर्जी है हैदराबाद जाने का, सो वही नहीं रही है एक्चुअली, मम्मी का टेंशन है फ्लाइट में, है ना माँ, है भय पाच आबार ना, भय तो भय पाच ना, भय पाच मम्मी को डर लग रहा है, पर मेरा डर जो है ना फ्लाइट का, पापा को लेके जब वेलोर चेन्नई जा रहे थे वेलोर के लिए, उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, अनिर्वाण तो मतलब मुझे संभालने के लिए मतलब उस टाइम पे वो मुझे नहीं संभाल सकता क्योंकि पापा तब बीमार थे, और एक डर भी था कि पापा को लेके जा रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ है, तो उस टाइम पे मैं खुद को बहुत ज़्यादा मतलब वो किया कि नहीं, फ्लाइट में मेरा जो फियर है उसको मुझे जल्दी से भगाना पड़ेगा, अभी कोई ऐसा सिचुएशन है कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे अकेला ही खड़ा होना है और डर नहीं लगाना है मुझको, मैं स्ट्रांग हूँ। तो ऐसे मैंने खुद को बहुत मेंटली फोर्स किया और उसके बाद से मेरा फ्लाइट का डर फोबिया एक्चुअली वो गया। हम लोगों को कैब नहीं मिल रहा है, शिबू मामा ने इंतज़ाम किया है, पर अभी 4:30 बज रहे हैं और 5 बजे हमें पहुंचना था, और ड्राइवर बोल रहा है कि 10-15 मिनट बाद आएंगे, पता नहीं 15 मिनट में हम कैसे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एक भी कैब अवेलेबल नहीं है, एक भी नहीं। बोर्डिंग का बोर्डिंग तो 5:00 बोलता है ना, 5:00 समय तो जीते बोलते हैं, सही ठीक है। नहीं,
हम लोग कैसे जाएंगे आज बिजॉय मिछिल बोल के कुछ चल रहा है এটা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই এই গাড়িতে আমাদের লাগেজ ঢুকবে এটা সেডান না গো এটা মিনি এটা 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 হ্যাঁ হচ্ছে না টাটা 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 শিব টাটা মা ওদিক अभी बज रहा है 4:58 मतलब 2 मिनट बाकी है 5 बजने में और हमें 5 बजे पहुंचना था, 7 बजे फ्लाइट है। मैं कभी मतलब हर बार हम लोग पहले ही पहुंचते हैं, इस बार तो आई थिंक 15 मिनट तो लेट हो ही जाएगा। प्रॉब्लम होगा, मध्यम ग्राम क्रॉस हो रहा है वहाँ पर हम लोग बहुत लेट हो रहा है, बहुत। मुझे नहीं लगता कि 2 घंटा तो छोड़ ही दो, हम लोग 1.5 घंटा पहले भी नहीं पहुँच पाएंगे। हमारा ड्राइवर बहुत प्रॉब्लमेटिक था, 40 से ऊपर ही नहीं कर रहे थे, पता नहीं अभी इधर पे भी लाइन मिस ना हो जाए। थैंक गॉड हमारा बोर्डिंग हो गया है। एयर इंडिया में ना 1 घंटे के अगर हो जाता है उसके बाद बोर्डिंग नहीं होता है, और डिपार्चर का 1 घंटे पहले काउंटर क्लोज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एयरपोर्ट पे घुसने के बाद भी आपको पुलिस वगैरह रहता है ना, उनसे चेकिंग वगैरह होता है। हम लोग तो जल्दी आते हैं पर लेट हो गया आज, हम भागे भागे सब कर रहे हैं, बाप रे ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और अगर हम 5 मिनट लेट करते ना तो गया। नॉनवेज का ऑप्शन क्यों रखे थे? नाइस नाइस। मैं बता दूँ क्या है? प्लीज। पराठा, आलू पराठा, यस। और दाल मखनी, राइस, पनीर, पनीर बटर पनीर के साथ मिलते हैं। मिठाई, चमचम, कर्ड, अचार, बस। और खाली वाला कब क्यों दिया है? नहीं वो नहीं पता मुझे। शेक हो रहा था आज बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत उल्टी लग रहा है अभी भी। बस में भी उल्टी, ट्रेन में भी उल्टी, फ्लाइट में भी उल्टी। आप क्या बेलू से जा, आप डाउन होगा क्या? पटाज मिल गया सब। सो हम आ गए बेलू। কি বাবা খুব ধুলো পড়েছে। বেলু বেবি কেসে হো আপ? বেলু কো তো কাল নয়া লানা পড়েগা লাগতা হ্যায়। 2 মহিনে কা ধুল হ্যায় ইয়ে। চাবি কোন সে ব্যাগ মে হ্যায়? মেরে ওয়ালে মে। ও সো ফাইনালি বিজলি ভি আ গয়া। সো ওয়েলকাম ব্যাক, ওয়েলকাম টু আওয়ার হোম। অর আমারে পেড় পৌধে এসেই থে। হ্যাঁ इसका एक कांड हो गया एक्चुअली, वो आपको कैसे बताऊँ बाद में बताऊँगी। कैसा बड़ा बड़ा लग रहा है ना सब कुछ, देखो घर कैसा बड़ा सा लग रहा है। हम लोग जिस टाइम गए थे यहाँ से उस टाइम था जनवरी। एक बार इस चादर को हटाओ। देखो देखो एक्चुअली हम लोग तो आपको बताया है पापा की हार्ट अटैक सुन के गए थे, तो उस टाइम पे हर बार हम जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेके अच्छे से सब कुछ मतलब
प्लान्ड वे में जाते हैं, तो इस बार का एकदम अनप्लान्ड था। जल्दबाजी में गए ना, तो सबको मैं ऐसे करके कवर करके चली गई थी। अभी इस चादर को मैंने क्या बोलते हैं उसको, झाड़ू लगाया है। वैसे रूम लॉक रहता है ना, रूम में उतना धूल नहीं होता है, तो इस तरह से भी सो जाऊंगी क्योंकि घर क्लीन नहीं है ना। अभी चादर बिछाऊंगी तो फिर से चादर गंदा हो जाएगा, तो अभी दस तरह से करके सो जाते हैं। और बहुत गर्मी है हैदराबाद में, अभी कपड़े चेंज करती हूँ। अनिकबान ने फिल्टर वगैरह सेट कर दिया है, तो सो जाती हूँ। कल महायुद्ध होने वाला है। कल तो पूरा क्लीन होगा, उस वो छोड़ के भी हमारे घर में 3 गेस्ट आने वाले हैं। सुबह और एक शाम, 2 शाम को। ठीक है, तो और ऊपर से अनिकबान का छुट्टी भी नहीं है, हमें ग्रोसरी भी करनी है, सब्जी भी खरीदना है। हाँ। सब कुछ चाहिए, और कल ही चाहिए। हाँ, नो डिले। शॉर्ट भी करना है एक ही दिन में। हाँ, सब कुछ शॉर्ट करना है। यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। किचन एक बार दिखाओ, कल दिखा जाएगा। किचन दिखाओ और मेरे पैर पॉलिश। किचन का हालत देखो ऐसे हो गया, ये खाली वर्किंग कंडीशन में है। इसको मैं चालू कर दिया क्योंकि पानी चाहिए एटलीस्ट। और ये भी वर्किंग कंडीशन में है। इसके लिए इसे रेस्ट चाहिए अभी। आज का फ्लाइट बहुत गंदा था, मतलब इतना जागिंग हो रहा था, पता नहीं क्या। बट आज का खाना सबसे बढ़िया था, मस्त था। पराठा। एयर इंडिया में हम लोग ऑलमोस्ट शादी के बाद से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, 4 साल हो गया। अगर आप पहले टिकट लेते हो ना, तो एयर इंडिया का कॉस्ट सबसे कम रहता है, सबसे कम रहता है सीरियसली। और उसमें खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है, सीट के लिए भी अलग चार्जेस नहीं लगता है। हम लोग अभी 11 बजे आए हैं, हम लोगों को तो अभी डिनर करने के लिए इधर उधर दुकान जाना पड़ता, उसका कोई नहीं रहा। हम फ्लाइट में 8:30 को खा लिए थे। ओके चलो अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। पीछे से गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। आप लोगों को भी गुड नाइट। हम कल मिलते हैं फ्रेश ब्लॉग के साथ। आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैदराबाद ब्लॉग देखने के लिए बेकरार हो। चलो बाय।